गोरु बथान है, गोरु बथान, गोरु बथान है गाइस। के पापा आगे आ रहे हैं और इनका कमर का हालत खराब हो चुका है। वो हमें भी दिखाइए गाइस। वेलकम ब्लॉग देखने के बाद अंडमन का ठंडा लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया वो बहन। इसका कमर दर्द हो रहा है गाइस बाइक चलाते चलाते। कमर दर्द बाइक चलाने की वजह से नहीं गाइस, इसके वजन की वजह से हो गया, मोटा है चूतिया। और ये तो जैकेट तक नहीं पहना है कुणाल भाई। मेरे पास शब्द नहीं है बताने को कि मेरे को कितना ठंड। देखिए गाइस ये ब्लाउज जितना पतला टी शर्ट है गाइस, इससे क्या ठंड जाएगा गाइस। What's up, good afternoon guys, आपका स्वागत है हमारे चैनल D2C Vlogs पर और मैं फिर से आ चुका हूँ एक फ्रेश और न्यू व्लॉग लेके। तो गाइस आज मैं पिलियन बैठा हूँ, मतलब थोड़ी देर पहले मैं राइड कर रहा था, अभी मेरा दोस्त प्रशांत तो बाइक राइड कर रहा है। तो आज का व्लॉग स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट हो रहा है गाजल डुबा से, और गाजल डुबा का सीन कुछ ऐसा है, आप लोग देखें कितना औसम से नज़ारा है ना गाइस। यहाँ से जितना बार भी आता हूँ मुझको यहाँ बहुत अच्छा लगता है, और खास करके आप लोग जब यहाँ शाम को आएंगे और सनसेट का अच्छा खासा व्यू मिलेगा आप लोग को। अगर रिटर्न आने का टाइम अगर हम लोग सही टाइम पे आते हैं तो मैं ज़रूर से यहाँ से आपको यहाँ का सनसेट दिखाऊंगा। ओके गाइस, अभी जस्ट हम लोगों ने क्रॉस किया गाजल डूबा ब्रिज, और ब्रिज के बाद कुछ ऐसा सीन देखिए। रोड का कंडीशन यहाँ एकदम ख़राब है, ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद से कब तक बनेगा पता नहीं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एक साल से इस रूट में ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझको ये रोड ऐसा ही दिखता है। और यहाँ इतना धूल हो रहा है ना, अगर मैं अपना वाइज़र खोल दूँ तो मुँह के अंदर इतना धूल चला जाएगा, तब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना धूल जा सकता है। तो भाई लोग अभी हम लोग जस्ट पहुँचे क्रांति के मोड़ पे, तो अगर आप लोग इधर से आते हैं तो इधर पड़ता है गाजल डूबा, और अगर उधर चले जाएंगे तो आप लोग पहुँच जाएंगे क्रांति की तरफ, और इधर को जाएंगे तो उदलावाड़ी। और आगे वाला रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब है उदलावाड़ी का, सो हम लोगों ने ये वाला रूट लिया, थोड़ा सा आगे आना पड़ता है बट इधर रूट सही मिलता है। अब यहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो नज़ारे मस्त मस्त होने वाले हैं, तो व्लॉग में एंड तक बने रहे। और अभी हम लोग ना अपने फ्रेंड लोगों के लिए वेट कर रहे हैं, वो लोग पीछे छूट गए हैं तो उनका वेट करते हैं, शायद से 5-10 मिनट लगेगा उन लोगों आने में, फिर एक साथ यहाँ से निकलेंगे। 2000 years later. तुम लोग हम लोग को छोड़ के खाना खाने को घुसा था ना, इतना देर कहाँ था रे बबुआ। भाई लोग अपन लोग अभी हैं ऑन द वे टू उदलावाड़ी। उदलावाड़ी पहुँचने से ही पहले टी गार्डन का कुछ ऐसा नज़ारा देखिए, कितना मस्त लग रहा है ना। अपने उधर भी टी गार्डन है बट इधर का डुअर्स का टी गार्डन का ब्यूटी ही अलग है। और ये जो टी लीव्स आ रहा है ना, ये नया पत्ता है, मतलब सीजन का पहला पत्ता आ रहा है। विंटर में बंद हो जाता है, कटाई किया जाता है, और अभी विंटर जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही फिर से टी गार्डन में नया पत्ता आने लगता है, फिर इसको तोड़ेंगे, इससे चाय पत्ती बनेगा और आप लोग को घर को पहुँचेगा। तो भाई लोग आपके भाई ने फिर से कमान संभाल लिया, अभी प्रशांत तो भाई पल्सर राइड कर रहे हैं जो अनुरोध का है, और अपन फिर से आ चुके हैं बहुत दिन बाद अपने बाइक पे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। पहले तो जो दो ब्लॉग्स है वो मैं स्कूटी पे ही किया बट अभी अपना बाइक अपने पास आ चुका है। इसका तो डैशबोर्ड है कुछ अलग दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मिरर नए हैं, इधर लीवर गार्ड लगाया हुआ है, और एक चीज़ है जो अब दिखेगा नहीं शायद से, क्रैश गार्ड लगाया हुआ है, फुल बॉडी क्रैश गार्ड। इन फ्यूचर मैं रिव्यू वीडियो बना सकता हूँ अपने बाइक का, अगर आप लोग को देखना है तो जरूर से कमेंट कीजिएगा आप लोग को एक रिव्यू वीडियो चाहिए या नहीं अपने बाइक के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्रॉस किया उदलावाड़ी, उदलावाड़ी के बाद आए डामडिम, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं गोरु बथान की तरफ। से गोरु बथान रह गया है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर, और आप लोग सोच रहे होंगे आज ये डेस्टिनेशन क्यों नहीं बता रहा है, तो गाइस आज का डेस्टिनेशन थोड़ा सा छुपा के रखते हैं, आगे आप लोगों को मैं डिस्क्लोज करूंगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग। आज टोटल अपने साथ 3 बाइक है, सारे दोस्त हैं, टोटल हम लोग 6 लोग हैं आज। आगे है प्रशांत, तो फिर उसके बाइक पे है अनुरोध, नेक्स्ट पे है अंकुश एंड तुलासा, और अपने साथ है मेरा दोस्त कुणाल है। और कुणाल भाई कैसा लग रहा है राइड पे, कुछ बोलिए कैमरे में। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ऐसा कि आप जाइए, बहुत मज़ा आएगा, देखिए इधर उधर के नज़ारे देखिए, आगे के नज़ारे देखिए, बहुत मज़ा आ रहा है कसम से आप लोग को, बहुत मज़ा आएगा परिवार के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ और किसी के भी साथ जाइए, बहुत मज़ा आएगा। मेनली दोस्तों के साथ जाइए, आपको इतना मज़ा आएगा कि क्या बताऊँ।
तो अपने कुणाल भाई ने अच्छा खासा भाषण दे दिया है, अपना वक्त पे रख दिया है आप लोगों के सामने, तो गौर कीजिएगा उनके बातों पर क्योंकि ये बहुत अच्छा बोलते हैं और ये हमारे बहुत खास रिपोर्टर है। इनका मैं क्लिप आप लोग को डाल दूंगा रिपोर्टिंग करते हुए। ओके गाइस, चैनल पे बने रहिएगा भाई, हमारे काफी मेहनत करते हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। भाई लोग अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं मीन ग्रास टी गार्डन और मैं ये रूट पे सेकंड टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। काफी अच्छा लगता है यहाँ पे, चारों तरफ ग्रीनरी है। वाह, दोस्तों आप देखिए कितना अच्छा से कट किया भरत कुजूर जी, आप देख सकते हैं इनका एक्सपीरियंस देख सकते हैं, तो आप समझिए इन्होंने कितना ब्लॉक किया होगा, कितना बनाया होगा, तो ऐसे रोड को भी ये धुआंधार बड़े ही संपूर्ण मतलब एक्सपीरियंस मतलब जिनको अनुभव बहुत ज्यादा होता है वैसे इन्होंने हैंडल किया है। गौर कीजिएगा बातों पे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं अपने कुणाल दोस्त। अरे अच्छे आदमी लोग के बारे में अच्छा ही बोला जाता है दोस्त, अगर आप अच्छे आदमी नहीं होते तब लड़ो ना आपकी तारीफ। देखिए दर्शकों, हम हर ब्लॉग में नहीं आ सकते इसलिए ऐसा मजा आपको इसी ब्लॉग में मिलेगा, जितना हो सके वायरल करिए, 4 मिलियन 5 मिलियन पहुँचाइए। तो भाई लोग अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गुरु बथान। कुणाल भाई, जी भाई, कोई शायरी बोलिए ना। जी, तो भरत भाई के रिक्वेस्ट पे, आदर पे हम एक शायरी सुनाना चाहेंगे, कृपया अच्छा लगे ना लगे बाबा चाहूंगा आप लोग। थोड़ा ऊंचा बोलिए। उनकी आंखों में, ध्यान से सुनिएगा, उनकी आंखों में जब भी हमने देखा, उनकी आंखों में जब भी हमने देखा अपना नहीं उनके बॉयफ्रेंड का चित्र। वाह 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 वाह, अति सुंदर अति सुंदर। एक तरफे आशिकों के लिए मैं भरत और मेरे कुछ दोस्त, हम सब लोग एक तरफा आशिक हैं गाइस। हमारी माल दूसरों के पास, हम लोग भले ही अच्छे हो केयरिंग हो घंटा ना फर्क पड़ता है, उनके पास पहले ही से है, तो हमारी क्या गलती गाइस। हम लोग ये फोन डाले मैसेज करे केयरिंग करे फिर भी हम लोग को भाव नहीं मिलता गाइस। अगर आप लोग के साथ भी है, अगर आप लोग को रिलेटेबल लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। इस तरीके के अच्छे अच्छे शायरी एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ऐसा शायरी आता रहे ऑन द वे, आप लोगों को ऐसा ऐसा शायरी मिलता रहेगा, तो व्लॉग में एंड तक बने रहिए गाइस, बने रहिए गाइस, ऐसा धुआंधार मजा भी आएगा और जहाँ एक बार बाइक रुकी उसके बाद तो आप लोग देखिए देखिए गाइस, 2-3 सुंदर लड़कियां भी है। तो भाई लोग, अगर आपको कुणाल भाई को और भी ब्लॉग्स में उनका आवाज सुनना है, उनका चेहरे से रूबरू होना है, तो कमेंट बॉक्स में दबा के कमेंट कीजिए कुणाल 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 बोल के। और गाइस अभी हम लोग जस्ट क्रॉस कर रहे हैं गोरू बथान का जो पिकनिक स्पॉट है वो। देखिए गाइस, हम लोग का सिर्फ लड़कों का प्लान था लेकिन एक लड़की घुस गई है गाइस। थोड़ी वल्गैरिटी चले इस वीडियो में तो मैं बहुत वल्गर वल्गर चीजें बोलूंगा, लेकिन भरत भाई के ब्लॉग काफी शुद्ध होते हैं, काफी साफ होते हैं, इसीलिए मैं मेंटेन कर रहा हूं अपने आप। अगर मेरा ओरिजिनल वर्जन निकल गया तो आप लोग वीडियो को देख ही नहीं पाएंगे। गोरू बथान है, ये गोरू बथान, गोरू बथान है गाइस। और गाइस अपना पहाड़ों का सफर स्टार्ट हो चुका है और आप लोग को यहाँ तक ब्लॉग बहुत ही एंटरटेनिंग और मजा आ रहा होगा, और अभी तो पहाड़ों का सफर स्टार्ट हो चुका है तो और भी मजा आएगा। हाय गाइस, पानी निकाल लिया पानी। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ब्रेक पे रुके हैं, ये अपना कुणाल फ्रॉम बिहार समस्तीपुर, मेरा जीप देखिए गाइस, अनिरुद्ध इसका कमर दर्द हो रहा है गाइस बाइक चलाते चलाते, कमर दर्द बाइक चलाने की वजह से नहीं गाइस, इसके वजन की वजह से हो गया, मोटा है चूतिया। और ये है अपना D2C ब्लॉग भरत भाई। तो भाई लोग, जहाँ हम लोग रुके थे तो वहाँ से ऑलमोस्ट अभी हम लोग 3-4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, मतलब कि अपन ने ओम्बे क्रॉस कर दिया है, तो अभी हम लोग पहुँचेंगे चेल ब्रिज और नज़ारे ना बहुत बेहतरीन बेहतरीन आ रहे हैं गैस, और अच्छा सा लग रहा है। और जितना हम लोग पहाड़ों पे ऊपर जा रहे हैं उतना टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो रहा है, बट ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा चिल्ली विंड बह रहा है, सूदिंग सा हवा चल रहा है और अच्छा सा लग रहा है। और अपन पहुंच चुके हैं चेल ब्रिज और अपने ग्रुप के पापा आगे आ रहे हैं और इनका कमर का हालत खराब हो चुका है बोल रहे हैं उसी समय से। हमें भी दिखाइए गाइस, वेलकम टू D2C व्लॉग्स गाइस, हम लोग जा रहे हैं लावा लावा व्यू पॉइंट।
बेचने के बाद ठंड मन का ठंडा लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया वो बहन का लड़ा साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए बातों पे गौर कीजिएगा मेरे को मेरे गाइस यहाँ दो जगहें थी एक बहुत अच्छी और एक ऐसी गलती हमारी थी हमने ही औरत की बात कृपया आप औरतों से दूर रहिए औरतें जहाँ बोले वहाँ तो बिल्कुल मत और वो औरत वो महान व्यक्ति ये है इसी के वजह से हम लोग को इधर आना पड़ा लेकिन एक खास चीज बताओगे यहाँ थुप्पा और मोमो एकदम सही था सही था ना मोमो सही था और मोमो सही था लेकिन चाउमीन बहुत वाहियात मोमो और थुप्पा ठीक थे अंकुल चाउमीन वाहियात तो भाई लोग अभी हम लोग चेल ब्रिज पे थे और अभी यहाँ से निकलेंगे और अपने साथ फिर से जुड़ चुके हैं अपने कुणाल भाई तो गाइस आगे बने रहिए अभी हम लोग का डेस्टिनेशन आने वाला है आप लोग के लिए बिग सरप्राइज है कृपया बने रहिए तो भाई लोग चेल ब्रिज में अपना खाना पीना करने के बाद फिर से हम लोग अपना सफर स्टार्ट कर दिया हमने अपना सफर और खाना पीना करने के बाद एक अलग ही बॉडी पेन आ गया है तो अभी राइड करने में एकदम सही लग रहा है थोड़ी देर के लिए तो मैं ऑफ हो गया था एकदम एनर्जी नहीं था बॉडी पे अब थोड़ा दाना पानी अंदर गया है ना तो फुल्ली एनर्जेटिक फील हो रहा है इस रोड पे ना खींचने में बहुत मजा आ रहा है गाइस कुणाल आगे सबसे मन पसंद गाड़ी चल रहा है इंडिया का लड़कों के लिए तो कुछ बात बोलना चाहेंगे आप बोलना चाहूंगा भाई तो बोलिए इंसानों ने प्यार के बाद ऐसा चीज बनाया है वो छाड़िएगा वाह वाह माशाल्लाह गाइस डिजाइनिंग देखिएगा आगे से भी टॉप नॉच पीछे से टॉप नॉच ऐसा लगता है कि गाड़ियों की नोरा होते ही गाइस गौर कीजिएगा गाइस बातों पे जोक्स को साइड करते हुए थार तो लगती बहुत मस्त है सीरियस नोट पे तो भाई लोग अभी ना जो मौसम हो रहा है वो टेम्परेचर बहुत डाउन जा रहा है तो अभी ठंडा लग रहा है कुणाल भाई आपको ठंडा तो लग ही रहा होगा क्योंकि आपने स्वेटर नहीं पहना है जैसा कि आप लोगों ने इस पर देखा था कि मैं शॉर्ट और टी-शर्ट में आया मतलब टी-शर्ट भी नहीं पहनने वाला था गाइस आपने मेरे निप्पल खड़े हो जाते हैं गाइस इसलिए मैंने टी-शर्ट पहन लिया गाइस ताकि मेरे निप्पल ना दिखे गाइस बहुत ही अच्छी बात है देखिए हम लोग का दूसरा बाइकर तेल खत्म हो गया 1.5 लाख की बाइक ला रहा 150 रुपया जैसा परफॉर्मेंस नहीं है गाइस एक तो गाइस एक बात बोल रहे ये 25 सीसी है और अपन ने इस पे तेल कितना का भराया था बोलिए हमारे 400 का तेल भराया था और 400 और अभी हम लोग 300 मेरे थे गाइस सिलीगुड़ी से लावा था कुछ 111 किलोमीटर और रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया इसके बाइक ने जल्दी से फ्यूल अप करते हैं और यहाँ से निकलते क्या बोलता है कुणाल गाड़ी बहुत महंगा पड़ गया गाइस एक बोतल पिया है गाइस फिर से दोबारा एक बोतल पी चुका है फिर से इसके अंदर और एक बोतल डालें गाइस इसका बाइक नहीं गोल्ड डिगर है गोल्ड डिगर सिर्फ पैसा ही खाती है गाइस बात तो सही है तो भाई लोग अपन लोग पहुंचने वाले हैं लबाब और मौसम का हाल कुछ ऐसा हो चुका है देखिए आप लोग फॉगी वेदर और ठंडा लग रहा है बट थोड़ा तो गाइस अभी हम लोग ऑलमोस्ट लावा से 7 किलोमीटर दूर है और मौसम का हाल आप लोग को दिखाऊं कुछ ऐसा है मौसम ने सबको बेहाल कर दिया है गाइस और प्रशांतों का वक्त भी सुनिए इतना कोहरा ही कोहरा है रास्ता की पूछिए मत भाई मतलब हाथ कांप रहे ये भाई ने तो जैकेट तक नहीं पहना है कुणाल भाई मेरे पास शब्द नहीं है बताने को कि मेरे को कितना देखिए गाइस ये ब्लाउज जितना पतला टी शर्ट है गाइस इससे क्या ठंड जाएगा गाइस एक्चुअली ठंड लग रहा है गाइस मैंने इसको बोला था रूम पे कि जैकेट पहन ले ऊपर बहुत ठंडा होगा लेकिन ये माना नहीं थोड़ा स्टाइल दिखाने का चक्कर में ये सब हो रहा है गाइस
पछताओ और भुक तो। इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ भी जाए सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ जाए, अपने और अपने परिवार का ध्यान। इसलिए गाइस सावधान रहे, सतर्क रहे। एक इम्पोर्टेंट बात, इसको जो अभी ठंडा लग रहा है ये इसके खुद के वजह से। मैंने इसको रूम पे बोला था कि भाई लगा ले, ये क्या नहीं, मैं मर्द हूँ, मैं सह लूंगा। मर्दानगी इसकी पूरी निचोड़ गई। गाइस अब मेरे अंदर की औरत जाग रही है। गाइस औरत को ठंडा लग रहा है। गाइस ठंडा लग रहा है। गाइस हम लोग जो एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे कि लावा को लेके, उससे बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा गाइस। इसकी अंदर की औरत जाग रही है गाइस। सभी लोग गाइस मेरे साथ बोलिए, मौसम ने हम लोग के साथ क्या किया? तार तार कर दिया, तार तार कर दिया लारा घर। ये देखिए गाइस हमारे साथ एक बच्ची भी है। देखिए गाइस इसका तो ठंड के मारे हाल, देखिए गाइस इसका हाल, देखिए गाइस इसका हाल, देखिए गाइस कहाँ पर आया बेचारा, गोरा था आते वक्त। गाइस इसका तो 2 किलो वजन कम हो गया गाइस। भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं आई लव लावा, बट सब लोग व्यू को एंजॉय करना छोड़ के यहाँ पे आग सेक रहे हैं। गाइस देखिए गाइस, वो भी गाइस पीछे से, सामने से नहीं। गाइस पीछे पीछे गर्म होगा तो सब गर्म होगा। नेपाली में एक कहावत है, और वो भी मेला सुन के बनता मेला ताप रहे हैं महिला। देखिए नेपाली में एक कहावत है माचिक ने, सच में भाई लोग बहुत ज्यादा ठंडा। सो भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं अभी लावा व्यू पॉइंट, तो आई लव लावा यहाँ पे है, और ये वो पाइन ट्री का फॉरेस्ट है जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे एंट्री टिकट तो लगता है, बट कोई नहीं था काउंटर पे तो अपन को टिकट वगैरह काटना नहीं पड़ा। अब यहाँ का मौसम ना एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। कुछ सीन यहाँ का सीन कुछ ऐसा है गाइस, देखिए भाई लोग मैं ना ठंड की वजह से व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग, मैं और जैकेट भी नहीं लेके आया, बट ये सिर्फ विंडशीटर लेके आया, तो उस पर बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो आप लोग कुछ सिनेमैटिक्स एंजॉय करें यहाँ का। कुणाल भाई कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा लग रहा है, लेकिन जगह बहुत बढ़िया है गाइस, जगह बहुत बढ़िया है गाइस, आप लोग आ सकते हैं, व्यू देखिए काफी डरावना सा है, ऐसा लगता है रॉन्गटन पार्ट 3 की शूटिंग यही। और अनुरोध जगह मस्त है, इट वाज वर्थ इट गाइस, द ट्रिप वाज वर्थ इट। एंड अंग्रेज का अमेरिका का दलाल, तो अंग्रेजी बोलता है अमेरिका का दलाल, तो मैं देसी बनता हूं। मैं कहना चाहता हूँ कि गाइस ये जो ट्रिप था ये मतलब मज़ा आया, दोस्तों के साथ पहली बार ऐसे ट्रिप में जाने को बहुत मज़ा आया। तो आशा करता हूँ कि बाद में फ्यूचर में ऐसा ट्रिप और रहेगा, और ऐसा और ट्रिप हम लोग करेंगे साथ में, और ऐसा व्लॉग्स आए। बस गाइस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई जैसे अनुरोध ब्रो ने बोला कि मेरा प्रशांत आगे भी ऐसा ट्रिप होगा, तो हाँ गाइस जरूर से ऐसा ट्रिप होगा। उसके लिए आप लोग को अगर वीडियोस वगैरह देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो यू नो द ड्रिल गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय। कि हर व्लॉग पे हमारा चेहरा आपको देखना ही देखेगा, रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट, लाइक, कमेंट सब कीजिए, और शेयर करना मत भूलिए। आगे के व्लॉग में हम लोग का थोपड़ा दिखेगा ही दिखेगा। और अगर मैं पसंद आया हूँ तो मेरी आईडी है KUN_AL_18। धन्यवाद आज के लिए इतना। सो गाइस बाय एंड सी यू, कमेंट्स पे स्पैम कर दो ANU।